आप में से कई ज्यादा लोग सोचते हैं कि यार मेरा 2000 का बजट है, 3000 का बजट है, मुझे नेक बैंड लेना चाहिए या TWS लेना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मुझे TWS लेना है या मुझे नेक बैंड लेना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लेना है। सो गाइस, मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक, और इस वीडियो में मैं आपका यही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सो भाई, पहली बात, ये कोई स्पेसिफिक वीडियो का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ मैं TWS एज अ होल वर्सेस नेक बैंड एज अ होल की बात कर रहा हूँ। आपके पास 2000 का बजट है या 3000 का बजट है, आप 2000 में नेक बैंड लोगे या TWS लोगे। सो सबसे पहला रीज़न मेरा आता है जहाँ पे नेक बैंड TWS से बेटर है, वो है बैटरी लाइफ। अगर हम कोई टिपिकल नेक बैंड और TWS को कंपेयर करेंगे, तो नेक बैंड में अगर आपको 20 घंटे मिल रही है, तो TWS में भी आपको 20 घंटे मिलती है। बट यहाँ एक कैच रहता है, बेसिकली TWS की जो बैटरी रहती है वो बड्स की अलग रहती है, और केस के साथ आपको 20 घंटे या 24 घंटे मिल जाती है। बट अगर हम एक सिंगल बड की बात करें, तो वो बहुत से बहुत 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे वन शॉट पे चलते हैं। बट अगर हम नेकबैंड की बात करें, तो ये वन शॉट पे 20 घंटे चलते हैं। सो दोनों में आपको 20 घंटे बैटरी तो मिल जाती है, पर नेकबैंड यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज में रह जाते हैं कि आप पूरा एक साथ 20 घंटे यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स वो कोई यूज़ नहीं करता है, बट अगर आप पूरा दिन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या अटेंड कर रहे हो या मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत सही है, आपका पूरा दिन वन शॉट पे निकलेगा। बट TWS में ऐसा है कि बड्स की चार्जिंग खत्म हुई, फिर से केस में डालो, थोड़ी देर वेट करो चार्ज होने तक का, चार्ज हुआ निकालो, फिर आपका कंटिन्यू कर सकते हो। अब आते हैं मोनोपॉड फीचर जो हमें TWS में नेक बैंड से बेटर मिल जाते हैं। मोनोपॉड फीचर मतलब आप कोई भी एक बड निकालो, कान में डालो, दूसरा उसके डब्बी के अंदर रहने दो, और आप अपना गाना सुन सकते हो, कॉल्स ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट नेक बैंड में आपके दोनों ही बड्स एक साथ सिंक में चलते हैं। सो अगर आप एक से सुन भी रहे हो, तो दूसरा ऐसे ही लटका हुआ रहेगा। जो चीज़ मुझे सच बताओ तो इतना मज़ा नहीं आता, अगर आपने लेफ्ट वाला डाला, आपको कॉल पर बात करें, तो राइट वाला ऐसे ही लटका हुआ रहेगा। बट TWS में ऐसा नहीं है, आप बस कोई भी आप निकालो और गाना सुनो, सिंगल से आप गाना सुन सकते हो, कॉल्स ले सकते हो, सब कर सकते हो एक सिंगल बर्ड से, आपको दूसरा बर्ड केस से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक बैंड्स में आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं, मतलब इन ईयर टिप्स पे आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं जो चुंबक वाला काम करते हैं, ये चिपक गए। सो अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो ये चिपके, तो बहुत से नेक बैंड में ऐसे फीचर्स है, आपका म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा, अलग क्या प्ले हो जाएगा, ये बहुत सही फीचर लगा मुझे। या कई सारे नेक बैंड जैसे ओप्पो या वन प्लस के नेक बैंड जो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ बस आपको चिपकाना है, आपका फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर जैसे ही इन्हें अलग किया, आपके फ़ोन से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत फास्ट प्रोसेस है, बैटरी सेव करने में भी हेल्प करता है, और ये चीज़ आपको TWS में नहीं मिलती है। बट एक और एक चीज़, ये एक फ़ायदा नेक बैंड का है, बट एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नेट यूज़ करने के कारण जो ये एरिया रहता है, ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, मतलब घसना शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो ब्रांडिंग है वो तो गायब हो जाएगी थोड़े महीनों में। उसी जगह TWS में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद नेक बैंड्स पर वापस आया जाए, तो मैंने ऐसा पर्सनली नोटिस किया है कि नेक बैंड्स में आपको थोड़ा बेटर साउंड क्वालिटी मिल जाती है कंपेयर टू अगर आप TWS ईयरफोन से अगर आप किसी TWS ईयरफोन के साथ कंपेयर करो तो। सो हाँ, साउंड क्वालिटी आपको डेफिनेटली बेटर एक नेक बैंड में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक नेक बैंड को बनाना थोड़ा सा कम कॉस्टली है कंपेयर टू अ TWS। एक 2000 का TWS और उसी जगह एक 2000 का नेक बैंड, और आप खुद नोटिस करोगे कि 2000 का नेक बैंड आपको बेटर साउंड क्वालिटी दे रहा है, क्योंकि कंपनी के पास वो एक्स्ट्रा बजट बचता है ताकि वो साउंड क्वालिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सके। बट TWS में वैसा नहीं होता है, इसीलिए आपका 2000 का कोई नेक बैंड है और आपको अगर इक्विवेलेंट ऐसा ही साउंड चाहिए, तो आपको 2500-3000 के बजट का TWS लेना पड़ेगा। और एक बात, TWS में एक चीज़ अच्छी है कि इनका कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है कंपेयर टू नेक बैंड्स। मुझे ऐसा लगा कि TWS का कंफर्ट सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। ऐसे नहीं लगता कि कोई वायर आपका ईयरफोन नीचे खींच रहा है, वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। उसके बाद जो नेक बैंड है, आपको कभी कभी फील हो सकता है कि हाँ मेरे गले पर कुछ है, पर ये चीज़ इन TWS ईयरफोन्स में नहीं होती। आपके कान में सिर्फ इतना सा TWS ईयरफोन या एक ईयरबड रहेगा जो आपका सब काम कर देगा। अब आते हैं माइक क्वालिटी, जहाँ पे हाँ एक नेक बैंड TWS से अच्छा काम कर लेता है पर्सनली मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आपके नेक बैंड में आपका माइक आपसे नज़दीक रहता है। बट उसी जगह अगर हम एक TWS में देखें, तो माइक आपसे दूर है। सो आपकी वॉइस यहाँ से नीचे ज़्यादा जल्दी जाएगी ऊपर जाने से अच्छा। अगर आप कॉल्स ले रहे हो, तो आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे। अगर आपके पास पर्सनली एक TWS और एक नेक बैंड है, तो आप खुद पर्सनली टेस्ट करके देख सकते हो कि एक नेक बैंड TWS से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ माइक क्वालिटी। अब आते हैं एक और सही चीज़ जो मुझे TWS में बहुत पसंद है। TWS में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये डिज़ाइन, यहाँ पे आपको सिलिकॉन टिप मिल रहा है। उसी जगह ये जो TWS ईयरफोन्स हैं MI का,
यहाँ पर आपको ओपन डिज़ाइन मिलता है एप्पल एयरपॉड्स की तरह, ये सीधा आपके कान में जाते हैं जो बहुत सही लगता है। ऐसे ही आपको नॉइस के एयरबड्स मिल जाते हैं ऐसे ओपन डिज़ाइन में, रियलमी के नियो मिल जाते हैं ऐसे ओपन डिज़ाइन में। क्लोज डिज़ाइन में अगर आपको सिलिकॉन टिप्स में चाहिए तो बोल्ट के प्रो पॉड्स मिल जाएंगे, वन प्लस के बड्स ही बहुत भरपूर ऑप्शन है, बट ये चीज़ नेकबैंड में बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपको वो ओपन डिज़ाइन पसंद है तो ये चीज़ आपको नेकबैंड में नहीं मिलती है, आपको सिर्फ ये सिलिकॉन टिप का ऑप्शन ही देखने को मिलता है। बहुत ही कम ईयरफोन ऐसे अवेलेबल है जो आपको ओपन डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए मुझे ये चीज़ TWS में बहुत पसंद है। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट्स पे। सो नेक बैंड आपका घूमने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर आप बाइक भी चला रहे हो या हेलमेट पहने हो और हेलमेट उतारते टाइम ये बर्ड गिरा तो ये गिरकर आपके गले में ऐसे लटकेगा, बट ये जो TWS है ये अगर गिरा तो ये सीधा नीचे गिरेगा और ये घूम जाएगा। सो ये चीज़ मुझे बेकार लगती है TWS में कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। प्लस ये केस आपको इसका भी अलग से ध्यान रखना है, इसको जेब में लेकर घूमना है, जो चीज़ सही नहीं है। केसेस में नीचे स्क्रैचेस लग जाते हैं इसलिए थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ में भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके TWS बहुत ज़्यादा कान से गिर जाते हैं तो ये है एक एंटी लॉस्ट मैग्नेटिक स्ट्रैप, बहुत सही है, आपके TWS को ऑलमोस्ट एक नेक बैंड बना देता है। इसमें मैग्नेट है, बहुत काम की चीज़ है, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको कार्ड मिल जाएगा या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम कोई TWS की बात करें तो मैक्सिमम TWS में आजकल आपको टच जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, नेक बैंड में आपको बटन्स मिलते हैं। सो पर्सनली मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि टच जेस्चर्स एक बेटर ऑप्शन है, ऑफकोर्स वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, पर मुझे ऐसा लगता है ये एक हाँ एडवांटेज है TWS का ओवर नेक बैंड। सो गाइस, यही थी एक छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए आपके लिए क्या ज़्यादा सही है। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि नेक बैंड में ज़्यादा एडवांटेजेस है, पर ऐसा नहीं है, TWS के भी खुद के एडवांटेजेस है जो बहुत सही है, और पर्सनली मैं TWS ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, नेक बैंड मुझे इतना ज़्यादा फेवर नहीं करते। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।